गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शेयरिंग आइडिया विद शिल्पा। अब मैं सबसे पहले आपको दिवाली की डेकोरेशन दिखाती हूँ, हमारे घर की डेकोरेशन। ये देखिए सब डोर्स पे बंदर वाल वगैरह लगाई हैं और सब पे लाइटिंग वगैरह भी लगाई है। डेकोरेशन करें दियो पे, देखो कितना अच्छा कलर कर रहा है बच्चे ने। ये देखिए इस बार हमने वाटर कलर की रंगोली बनाई है। वैसे हम लोग जो रंगोली के कलर्स होते हैं उन्हीं से हमेशा रंगोली बनाते हैं, दीदी बनाती हैं उनसे। बट इस बार कृषु थोड़ा शरारती है तो हमने सोचा कि कहीं वो ख़राब ना करते, तो इस बार हमने सोचा वाटर कलर की रंगोली बना लेते हैं जिससे ख़राब भी नहीं होगी वो। ये मैंने अब आपको सारे जो दिए हैं जो नोनी ने बनाए हैं मैंने उन सब की एक वीडियो शेयर करी है, देखिएगा कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाया है उसने। मिलियम भी बनाया है, मिलियम जो बच्चों को बहुत पसंद होता है, और ओम सतिया वगैरह सब बनाया है बच्चे ने। तो एफर्ट बड़े अच्छे डाले हैं इसके अंदर। और ये अब मैं डेकोरेशन दिखा रही हूँ आपको। ये रंगोली का थोड़ा थोड़ा फाइनल लुक आने लगा है, उसके बाद मैं आपको जब फाइनल हो जाएगी बिल्कुल तो मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगी आपको कि कैसी बनी है रंगोली। बहुत ही सिंपल सी हम रंगोली चूज़ करी है हमने इस बार। डेकोरेटेड दिए हैं, मैं उनको मंदिर में लगाऊंगी, उनको अरेंज करूंगी जैसे भी वो लगाने हैं। थोड़े से दिए हमने अपनी रंगोली में भी ऐड ऑन करे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे रंगोली के शुभ लाभ भी लिख दिए हैं यहाँ पे। और देखिएगा हमने दिए सतियों की शेप में लगाए हैं। मैं और ताई जी मंदिर सजा रहे हैं शाम की दिवाली पूजा के लिए। अब ताई जी हमारी मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी गणेश जी निकाल रही हैं, और कितने सुंदर हैं ये मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, बहुत सुंदर लगे। मैंने सारे दिए हैं जो डेकोरेटेड वो आगे लगा दिए हैं सारे। लक्ष्मी जी की छोटी कढ़ाई जी लक्ष्मी जी की कहानी सुना रही है हम सबको। यहाँ पे हम सब बड़ों का फास्ट होता है, हमारा नहीं होता है, सब बड़े रखते हैं यहाँ पे लक्ष्मी जी का फास्ट पूरे दिन के लिए। तो अब हम कहानी सुन रहे हैं उनकी। ये पूजा स्टार्ट हो चुकी है, पापा और ने पूजा करके सबके टिक्के कर दिए हैं।
देखिए जी मैंने लाइटिंग कर दी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है दिवाली फेस्टिवल क्योंकि इसमें दियों की जो रोशनी होती है वो बहुत सुंदर लगती है। और ये देखिए सब पूजा कर रहे हैं, सब धूप खा रहे हैं गणेश लक्ष्मी जी की। पूजा कराई जा रही है और सबसे बाद में पूजा करने वाला सब बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और अपना भक्ति लेंगे। अब भैया और दीदी दोनों दिए रखने जा रहे हैं, अब टिशू छोड़ के फुलझड़ी वगैरह जला रहे हैं, फुलझड़ी खिला रही है। अदर तेरे तो मजे हो रहे हैं। ये सब करने के बाद हमने थोड़ा सा फोटो सेशन भी कर लिया है, ये आपको फोटोज मैंने थोड़ी सी दिखाई है। जो अपने गिफ्ट्स के मजे ले रहे हैं और ब्लॉग्स वगैरह में इसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ब्लॉग्स भी दिए थे इसको, बट इसको लाइटनिंग वाले ही सब कुछ पसंद है तो ये बहुत खुश हो रहा है इसको देख देख के। तो अब नेक्स्ट डे दिवाली से गोवर्धन पूजन पूजा हमारे घर की, गोवर्धन पूजा में हमारे ऐसे बनता है और
उसके बाद अब ताऊ जी हैं जो हमारे घर के बड़े हैं, उन्हें सबसे पहले टीका करते हैं और भोग खाएंगे। उसके बाद हम सारे जो गोवर्धन की है वो परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर सारे धोख खाएंगे और सबका बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। परिक्रमा देव, राइट देव गुरु की परिक्रमा देव, परिक्रमा दो मंदिर की परिक्रमा देव, हंस गंगा हर हर देव, गिरधर की परिक्रमा देव, हंस गंगा हर हर देव, गिरधर की परिक्रमा देव, गंगा हर दे गिरधर की परिक्रमा दे, मांस गंगा हर भी आए हैं टीका करवाने के लिए। हमारे यहाँ भाई और भतीजे को टीका करते हैं। ये देखिए हमने दोनों का टीका कर लिया। देखिए सबको टीका कर दिया।